वो ये नहीं सिर्फ लिखा, सारे उस फैसले में ये नहीं लिखा कि साइफर है क्या। काश ये भी लिख देते कि साइफर है क्या, क्या पाकिस्तान की इज्जत और जिल्लत और रुसवाई का ये बायस नहीं बन रहा था। क्या एक जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी अमेरिका का वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने के हुक्मनामा जारी नहीं कर रहा था। काश ये भी बता देते कि है क्या साइफर के मुंदरजात क्या हैं। एक लफ्ज नहीं लिखा मुंदरजात का। ओ भाई, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट इस बात पर नहीं लगता कि अगर भुट्टो को कहता है हेनरी किसिंगर के, अगर एटम बॉम्ब तुमने ना बंद किया तो मैं तुम्हें इबरत का निशान अमरीका बना देगा, और इसने वही बात की कि अगर इसको इमरान खान को ना निकाला तो पाकिस्तान अमरीका तुम्हें तुम्हारा जो है हशर नशर कर देगा और अमरीका तुम्हें माफ़ कर देगा अगर इमरान खान को निकाल दोगे। ये है साइफर। इसमें कौन सी ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट का जो है इतलाक होता है? ये इससे ज्यादा बदनीयती बदध्यानती क्या हो सकती है? उस फैसले को जरा पढ़ें तो सही, एक लफ्ज नहीं लिखा इसमें।